and gentlemen, sisters and their brothers, definitely not mine. Welcome to another episode of PollBaazi. मैं उस शो की होस्ट आपकी दोस्त, नाम है मेरा विधि. और अगले 15 मिनट एज यू ऑल नो काफी एक्साइटिंग होने वाले हैं. इंडिया की सोच हम जानने वाले हैं. अरे हम भी इधर बैठे हैं, हमारे बारे में बोला अपना पर बोले जा रही हैं. आ रही हूँ आप पर भी आ रही हूँ. आपसे तो काफी टाइम बाद मुलाकात हो रही है. पुश, हाउ यू डूइंग? लॉन्ग टाइम नो सी. ढंग से बोलो, पुष्पा बोलो. पुश, अच्छा इतने दिनों बाद तुम्हें मिल रहे हैं हम, तुमने हमें मिस किया. नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं. हमने बहुत मिस किया पर. अच्छा हमने बहुत, अभी बताएंगे क्यों, पहले बताओ आगे. अच्छा ओके देन, आपको मैं पोलबाजी के बारे में बता देती हूँ. और किसके बारे में बताएंगे? हर सवाल आपसे पूछे जाएंगे. हर सवाल के तीन इंटरेस्टिंग ऑप्शन होंगे. 10 सेकंड के अंदर अपना जवाब टैप कर देना है आपने. अब देखिए यहाँ पे कोई जवाब सही गलत नहीं है, क्योंकि पोलबाजी इज ऑल अबाउट योर सोच, जनता की मेजोरिटी, जनता की सोच. जी हाँ, तो अगर आपका जवाब जनता की सोच से मैच कर गया तो सही जवाब हो गया. सही जवाब. और अगर आपने ऐसी 8 सवालों के जवाब दे दिए तो 10,000 रुपए में से अपना हिस्सा. वाह वाह बात है, जीत जाएंगे. 4 में से अपना हिस्सा लेकर जाएंगे. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अच्छा और बताए, तुम्हारे इतने दिन तुमसे हम तुम नहीं मिले, तुम इधर उधर थी, हम इधर उधर थे, तो हमने बहुत सारे लड़के तुम्हारे लिए ढूंढे, पर हमने 7 लिस्ट एक ही कराए तुम्हारे. फोटो दिखाने के लड़के, ये देखो क्या बढ़िया लग रहा है ना, बिल्कुल आंखों में तेज. देखिए कितना है आंटी, घड़ी है लड़का, ये हाथ है, ये घड़ी है, वो टैटू है, टैटू भी है. देखा हमने इतना ख्याल रखता है अपना हाथ का, तुम्हारे खूब सारे मैनिक्योर करवाएगा हर दिन. तो मैं अपना मैनिक्योर खुद करवा सकती हूँ. ठीक है, तो एक दिन तुम कराना, एक दिन उसे कराने देना, फिर तुम कराना. मुझे रोज मैनिक्योर क्यों कराना पड़ेगा आंटी? व्हाट इज रॉन्ग? अच्छी लग रहे हैं वैसे, और अच्छी लगेंगे. चलो आगे बताओ. ऊपर एक दिल, इस दिल का इस्तेमाल आप पोलबाजी में वन टाइम कर सकते हैं. तो कोई भी जवाब जनता के जवाब से मिसमैच होता है, लाइफ यूज करके आप गेम में बाउंस बैक कर सकते हैं. और अगर एलिमिनेट हो भी गए तो पोलबाजी में आप एंड तक अपनी सोच, इंडिया की सोच हमें बता सकते हैं. मतलब हमारा आशीर्वाद एकदम आखिर तक बना रहेगा, 8वें सवाल तक. या व्हाटएवर आशीर्वाद, या 15,000 से ज्यादा लोग क्या होता है आशीर्वाद, जुड़ चुके हैं हमारे साथ. थैंक यू. वेलकम टू द गेम. अब जरा दिल से मेरी आवाज को सुनिए, इनको इग्नोर कीजिए और फोन स्क्रीन को घूरिए. क्वेश्चन नंबर 1, आप मुझे बताइए इन तीनों में से कौन सी चीज है जो आप अकेला करना पसंद करते हैं? अकेले करना पसंद करते हैं, यू नो, जस्ट बाय योरसेल्फ. शेविंग, या पढ़ाई लिखाई, या नहाना. अच्छा विधि, जो ये दूसरा ऑप्शन है पढ़ाई वाला, ये अनिका कभी भी अकेले नहीं करती, हमेशा ग्रुप स्टडी. अच्छा? ग्रुप स्टडी, कभी राहुल के साथ, कभी रोहित के साथ, कभी अजय के साथ. हमें और बताए तुम्हें, जब एग्जाम नहीं होता तब भी ग्रुप स्टडी कर रही होती. हमने कहा बहुत अच्छी लड़की है. आई डोंट थिंक वो ग्रुप स्टडी कर रही है. क्यों, झूठ क्यों बोलेगी हमसे? और क्या करी होगी, यू नो, एग्जाम ना हो और झूठ क्यों बोलेगी हमसे? देखो अगर हम, और हम मानते हैं लोगों की बात, तुम हमसे कहते हो हम बैडमिंटन खेल रहे, हम कहते हैं कभी कुछ और खेल रही है, नहीं बैडमिंटन नहीं खेल रही, वो कहते हैं ग्रुप से. जनता का जवाब आ गया आंटी, ज्यादा मत सोचिए आप. जनता क्लियरली कहती है कि नहाना है तो अकेले नहाइए. मतलब उसमें ऐसे नहाता कौन किसके साथ है आंटी? कभी कभी पानी बच जाता है वो हमें पता ही है, क्यों अकेले नहाते होंगे हमें पता है. है क्यों? क्योंकि डर लगता होगा इन्हें अकेले बाथरूम में, कोई आना जाए, इसलिए साथ में नहा लो, है ना. कितनी रोमांटिक है आप आंटी. 15,000 से ज्यादा लोग है हमारे साथ अभी भी, बता रहे हैं इंडिया की सोच. फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 2. पूछो. आप मुझे बताइए, जो दीदी है यानी कि ममता बैनर्जी, इन तीनों में से वो कौन सा अल्टरनेट प्रोफेशन है जो उनको अपना लेना चाहिए? अपना लेना चाहिए, इफ नॉट पॉलिटिक्स. टीवी शो में सासू माँ बन जाए, या बॉर्डर पेट्रोल ऑफिसर बन जाए, या फीमेल डॉन. ये कैसा ऑप्शन है पहले वाला? अब ये इनको दीदी है, ये सब इनको दीदी के नाम से जानते हैं. अभी एकदम से सासू माँ थोड़ी कैसे बन जाएंगी कि दीदी बनी सासू माँ, क्योंकि दीदी भी कभी सासू माँ थी. दूसरा ऑप्शन जो है ये साड़ी पहन के कैसे सीमा रक्षा पे जाएंगी, है ना. और तीसरा ऑप्शन फीमेल डॉन, तो हम सबसे बढ़िया है. सही कहा ये आपने, डराती है आप लोगों को बहुत, बिल्कुल. और बताए, डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस पकड़ रही थी, हमारे पीछे भी पड़े हुए हैं 11 मुल्कों के लड़के. लड़के आपके पीछे क्यों पड़ेंगे बताएंगे अभी, आंसर बताओ पहले. जनता का जवाब आ गया, कहते हैं कि दीदी को बन जाना चाहिए फीमेल डॉन. और बताए, और बताए तुम्हें, 11 मुल्कों के लड़के बताओ हमारे पीछे क्यों पड़े? क्यों पड़े भाई? क्योंकि शादी करना चाहते हैं आपसे. हमसे नहीं, हमसे भी कर लेंगे, हम मना कर देंगे, पर हमारे पास सबसे ज्यादा अच्छे रिश्ते होते हैं इसीलिए. और बताए, पुष्पा के साथ अपॉइंटमेंट मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन. दिमाग ढूंढना भी नामुमकिन है. क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हम. 14,000 से ज्यादा लोग बता रहे हैं मैं इंडिया की सोच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. आप मुझे बताइए इन तीनों में से वो कौन है जिनकी आप सलाह ज्यादातर सुन लेते हैं, ले लेते हैं? जी हाँ, मम्मी पापा, या फिर पति या पत्नी, या फिर कोई धार्मिक गुरुजी है लाइफ में, तो आप उनकी सुन लेते हैं. अच्छा अच्छा, पता है सलाह आजकल विधि कोई किसी की नहीं मानता आज के जमाने में, बताया तुम्हें. अब वो जो बाबा है वो अपनी मम्मी की सलाह नहीं मांग रहे थे, तो उनकी सिस्टर को आना पड़ा. यूपी की बात कर रहे हैं,
क्या आपको? हाँ ठीक है, मतलब लेकिन आप बताइए कि लोग मतलब पति पत्नी आपस में सलाह क्यों लेंगे? पति पत्नी पत्नी आपस में सिर्फ एक चीज करते हैं, बताइए क्या? आंटी व्हाट आर यू सेइंग, बताइए क्या? झगड़ा करते हैं आपस में, और क्या कर, तुम्हें क्या लगा झगड़ा क्यों करेंगे? है कि अगर झगड़ा नहीं तो रिश्ता तगड़ा नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात बोले आपने, बस करिए। जनता का जवाब आ गया है और वो कहते हैं कि मम्मी पापा की सलाह ही मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर आजकल कोई सलाह नहीं मांगता। आप देखिए जैसे सरमाए ना हमारे पास है, पिज्जा बनाने की बढ़िया सलाह, तो हमने कहा पिज्जा में तुम बढ़िया, हमारी सलाह नहीं थैंक गॉड नहीं मानी, मत दिया करो ना सलाह, फ्री में नहीं देते सलाह ऐसे। अरे हम तो अपना पैसे लेना चाहते हैं, इतनी बढ़िया सलाह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए, उसमें सलाह करते हैं, थोड़ा सा सीरियस सवाल है। तो इंडिया की सोच पाकिस्तान को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? हां हां, वी ऑल नो व्हाट ऑल हैज हैपेंड एंड व्हाट ऑल इज हैपनिंग। पीस टॉक्स करनी चाहिए कि चलिए शांति को आगे बढ़ाएं, या फिर एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर देनी चाहिए इंडिया को, या डिप्लोमेटिक बॉयकॉट कर देना चाहिए? एक बात हम तुमसे बताना चाहते हैं विधि इस वाले सवाल पे। अब देखो हमारे जो हस्बैंड है वो बहुत बढ़िया सब्जी काटते हैं, हम उन्हें डिस्टर्ब करते हैं नहीं करते ना? अब देखिए वो बहुत बढ़िया आटा गूंथते हैं, हम उन्हें डिस्टर्ब करते हैं नहीं करते? अब हम दूरबीन इतना बढ़िया चलाते हैं, कोई हमें डिस्टर्ब करता है? पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जिसका जो काम है आप उसे करने दीजिए। अब जैसे सेना का काम है वहाँ उधर जो भी करना बॉर्डर पे, वो आप क्यों अपनी टांग अड़ा रहे हैं? आपने बात बहुत अच्छी बोली। देखिए ओपिनियन हम सब रख सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन आपने ओपिनियन को थोपिए मत। जी हाँ, वैसे जनता का जवाब आ चुका है और इंडिया की सोच है कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया को कर देनी चाहिए। अब देखिए तो तुम्हारा काम है यहाँ पे खड़े होकर आंखें मटकाना है ना, आपको तुम्हें डिस्टर्ब करता है नहीं करता है ना? अब जैसे वो आती है जसपिंदर, जो भी आती है तुम्हारी, वो बोगा सोगा सिखाती है, काम है उसका। अब जैसे पप्पी है उसका एकदम काम है कि एकदम दिल जीतना है ना, कोई उसको डिस्टर्ब करता है? आपका दिल जीत गया? अब देखो इलेक्शन जो कोई भी जीते, दिल तो पप्पी ने जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ रहे हैं अब हम, 13,000 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए दिल्ली जो हमारा कैपिटल है उसमें इन तीनों में से वो कौन सी जगह है जिसका नाम आपको काफी एलिटिस्ट लगता है? क्या होता है एलिटिस्ट? बताऊंगी आपको, एलिटिस्ट होता है कड़कड़डूमा या बुरारी या घिटोरनी। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो ये क्या होता है, हमने बहुत सारे टेस्ट के बारे में हमें पता है, ठीक है? एक ड्राइविंग टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, और बताए प्रेगनेंसी टेस्ट भी होता है, पर ये कौन सा टेस्ट है? ब्रेन टेस्ट कराया कभी? ये एलिटिस्ट कौन सा टेस्ट है? टेस्ट नहीं होता है, एलिटिस्ट मतलब शानदार नाम कौन सा है? शानदार तो हमें, शानदार तो हमें। अच्छा गली की बात करियो, पुष्पा गली बहुत शानदार है। हाँ है पुष्पा गली, हमारे घर के बाहर से जो गली जाती है वो ऐसे बी ब्लॉक वाली गली है, पर कोई उसे सब कहते हैं पुष्पा गली। वहां से बच के रहना, अगर उसके पास जाओ तो यू टर्न ले लेना, आंटी की शक्ल मत देखना, आई कांटेक्ट मत बनाना। अंकल आंसर बताओ, जनता का जवाब आ गया, कहते हैं कि दिल्ली में सबसे एलिटिस्ट गली है खड़खड़डूमा। बोलने का तरीका और सबसे बढ़िया है पुष्पा गली की, मेरी गाली में गाली में पुष्पा की गाली में गाली में तेरी गाली में गाली। अरे गली गई, स्टॉप इट, कंट्रोल जैसे। अच्छा और बता क्या कह रही है तुम, कड़कड़डूमा बोलते हैं ऐसे, कड़कड़डूमा ऐसे करके स्टाइल से बोलना चाहिए, इस स्टाइल से हम पूछ कोई यहां से ना हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर कौन बोला, हमें बोली पाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए, आप मुझे बताइए गोवा में रहने वाले जो लोग हैं, कौन बोला वो छुट्टी पर कहां जाते हैं? हां बढ़िया, गुड क्वेश्चन। वो ऊटी जाते हैं या गोवा में ही रहते हैं या वो थाईलैंड जाते हैं? अच्छा सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूरा देश गोवा जाता है लेकिन गोवा में रहने वाले कहां जाते हैं? अच्छा ये बताए, थाईलैंड जो बहुत बढ़िया जगह है, बंटी हर साल थाईलैंड जाते हैं, और बताए शादी के बाद हमें लगा अपनी बीवी को भी लेकर जाएगा, नहीं लेकर जाता है, पता क्यों? कहता है कि तुम्हारा बहुत चलना पड़ता है, तुम बेकार में थक जाओगे। हमने कहा कितना एकदम ख्याल रखता है ना वो थाईलैंड में, क्या करता है? पूजा करता है, थाईलैंड धार्मिक जगह बताता है वो, इसलिए आपको हजार बार बताया धार्मिक जगह नहीं है। तुम्हें कैसे पता? फोटो दिखाऊंगी मैं आपको, ये देखिए पार्टियां होती हैं वहां पर, ये जागरण हो रहा है रात को एकदम माता का जागरण, तुम कह रही पार्टी, अजीब ही हो तुम बहुत बड़े। चलो आंसर बताओ, आप भी जाना आंटी, आप भी जागरण करना थाईलैंड में। वैसे जनता का जवाब आ गया, वो कहते हैं गोवा में रहने वाले लोग गोवा में ही छुट्टी मनाते हैं, इसलिए काफी सारे पैसे भी बचा लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत तुम्हें बहुत पता, जानते हो किसी गोवा में ये पैसे भी बचा लेते हैं। एक दिन ना बंटी के साथ आप भी जाना थाईलैंड, करके आना वहाँ पे ढिकचिक उंस वाला जागरण। उंस क्या है ये, कौन सा जागरण होता है वहाँ थाईलैंड में? ऐसी होता है। अच्छा तुम्हें पढ़ा, तुम नहीं हो। ऑलराइट आगे बढ़ेंगे अब, 12,890 हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडिया की सोच हमें बताते रहिए। अब हम पहुंच गए टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग, क्वेश्चन नंबर 7। हां पूछो, क्रिकेट का सवाल है लेकिन इंटरेस्टिंग सवाल है। आप मुझे बताइए बीसीसीआई को क्या करना चाहिए इंडो पाक क्रिकेट मैचेस के बारे में। अच्छा। अब आगे होंगे या नहीं होंगे ये आपने बताना, कि हमें खेलते रहना चाहिए, शायद पीस मेंटेन होगा, खेलते रहेंगे,
अभी नहीं खेलना चाहिए या फिर हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए इंडो पाक मैच को? आंटी पता है क्या, लास्ट टाइम इंडिया पाकिस्तान ने सितंबर में मैच खेला था एशिया कप में, इंडिया जीत गया था, और अगली बार हम नेक्स्ट टाइम खेलेंगे वर्ल्ड कप में, लेकिन बात यही है कि वर्ल्ड कप में खेलना नहीं चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। अब अगर ऐसा कोई है राष्ट्र जो हमारी भलाई नहीं सोचता है तो हम क्यों खेलें उसके साथ? क्योंकि ये तो यही बात हो गई कि सरमाइन ने हमसे बोला कि चीनी दे दो, हमने उन्हें चीनी दे दी, दूसरे दिन हमारे दरवाजे पे आके कूड़ा फेंक दिया उन्होंने, ये गलत बात है ना, हम क्यों ऐसे क्यों हिसाब लगाना है? बात आपने बहुत सही बोली है और जनता इज कंप्लीटली एग्रीइंग विद पुष्पा आंटी फॉर अ चेंज, बिल्कुल बैन कर देना चाहिए वो भी हमेशा के लिए, ये है इंडिया की सोच, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस नहीं देखने हैं। बहुत बढ़िया चलो आगे, राइट, ये है इंडिया की सोच। अब 1432 लोग बढ़ रहे हैं हमारे साथ टू द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग, क्वेश्चन नंबर 8। आप मुझे बताइए सुबह उठकर सबसे पहली चीज क्या करते हैं आप इन तीनों में से? पांच मिनट और सोते हैं, बस थोड़ा और टाइम मिल जाए, या फिर आप लू जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं सुबह सुबह, या कॉफी पीते हैं, एनर्जी आ जाती है। हम क्यों बताएं कि हम सुबह क्या करते हैं, क्यों बताएं? हम किसने पूछा आंटी, नोबडी वांट्स टू नो। जैसे मैं ना बस ऐसे पांच मिनट करके ना थोड़ी अच्छा, तभी लेट हो जाती हो तुम सुबह आते हो ऑफिस। आप कौन है? मेरी बॉस है, मेरा अप्रेजल करेंगे आप कौन है? नहीं फिर भी वैसे हम तुम्हें क्यों बताएं कि हम सुबह उठ के क्या करते हैं? हम क्यों बताएं तुम्हें कि सुबह सबसे पहले उठते ही हम अंगड़ाई मारते हैं, उबासी मारते हैं, नहीं फिर हम इनके ऊपर से भी रजाई हटा देते हैं कि ये भी उठ जाए ठंड के मारे। और बताइए, सोते रहते हैं साइड में, हम पूरा बिस्तर बना देते हैं, वो सोते ही रहते हैं, उनको भी आप फोल्ड कर देती हैं? नहीं, उनके ऊपर हम डाल देते हैं बिस्तर। व्हाई आंटी, व्हाई डू यू डू दिस? जनता का जवाब है, हमें हमारे मर्जी कहते हैं, मेरी तरह वो भी बस पांच मिनट और ऐसे सोते रहते हैं एक्स्ट्रा टाइम, तभी लेट होते हैं, वो बता रहे हैं। तुम भी लेट होती हो, वो भी लेट, आपको उससे क्या फर्क पड़ता है? आप पांच मिनट करके करते हैं ना ऐसे, तो अभी लेट हो, कभी आप भी लेट आओ, फिर एक दिन पोलबाजी विदाउट यू हो जाएगा, मजा आ जाएगा। क्या मजा आ जाएगा, तुम्हें लोग ही बुलाते हो कि आ गई पुष्पा आंटी, आ गई पुष्पा आंटी। वैसे आप क्यूट तो हो आंटी। अरे आज क्या है, 1137 लोग जीत गए हैं, PollBaazi का खेल आपके लिए हो जाए, बल्ले बल्ले, हाँ चलो कर दो। क्या बोला तुमने, हम क्यूट लगते हैं आंटी? भूल जाइए ना, गलती सबसे होती है, डू दिस डांस नो, ला 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 ला, क्यूट है हम। कौन कौन जीते हैं, किन किन को मिला आज पुष्पा आंटी का आशीर्वाद? इकबाल सचिन जब भी जीत गए, सुनील भी जीत गए, डॉन आंटी डॉन, डॉन भी जीत, देखा 11 मुल्कों की पुलिस इनको पकड़ी या हमको 11 मुल्कों की, शी भी जीत गई है, अरे जीत गए, कांग्रेचुलेशंस, इतने सारे लोग जीत गए आज खेल। और अगर आप सोच रहे हैं कल कब मिलेगा मौका बाजीगर पर पैसे जीतने का, तो मौका ही मौका है, दोपहर 1 बजे खेलिए PollBaazi मिनी, 3 बजे खेलिए PollBaazi मिनी, वेरी गुड, 4:30 बजे खेलेंगे बिंगो बाजी, और आप 8:30 बजे खेलेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया PollBaazi क्विज, बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जैक्टली, इट इज द इजीएस्ट क्विज टू विन, यू नो व्हाई? एवरीबॉडी नोस, सुबह सुबह पढ़ना है टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, ओके, फिर रात को 8:30 बजे खेलेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया PollBaazi। अब पता है जीतेंगे कैसे? सारे सवालों के जवाब आपको अखबार में मिल जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मतलब पता ही है आपको सारे सवाल। तो मंडे टू फ्राइडे आप बस खेलिए 8:30 बजे द टाइम्स ऑफ इंडिया PollBaazi क्विज, एंड डोंट फॉरगेट टू रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर। हां जी हां। अच्छा विधि, अभी हम इतने दिनों बाद तुमसे मिले हैं, तो बहुत सारी बातें हैं करने को, तो करें फिर बातें, बिल्कुल बिल्कुल करते हैं ना, आप बताइए क्या चल रहा है, बताइए। अरे जा क्यों रहे, रुकिए, हेलो